नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। 7 वर्षीय मासूम अभिषेक का कातिल निकला ट्यूशन देने वाला गुरु। अपहरण के बाद फिरौती में नाकाम होने पर कर दी हत्या। एसपी की सारी मॉनिटरिंग रही फेल। जहां शिक्षक को हमारे समाज में भगवान से बड़ा मानते हैं, वहीं शागन जौनपुर की खबर दिल दहला देने वाली है। हम आपको बताते हैं कि ट्यूशन टीचर ने 7 साल के मासूम अभिषेक को ट्यूशन पढ़ने जाते समय रास्ते से अपने गाड़ी पर बैठाकर अपहरण कर लिया और फिर परिजन के मोबाइल पर अपहरणकर्ता ने 7 लाख की फिरौती मांगी और बच्चे के चिल्लाने पर बच्चे की गला घोटकर हत्या कर दी। पुलिस की जांच और पूछताछ की कार्रवाई जब तक होती तब तक मासूम ने अपनी जान गंवा दी। पैसा दीजिए जो है, और इसके बाद नहीं तो हम बच्चे को जो है उठा ले रहे हैं, मामला नहीं उसको मार देंगे। बच्चा कब गया था पुलिस? 10 बजे से। बच्चे को पता चला अभी तक? अभी तो नहीं पता। फोन से किससे बात हुई जब फोन आया था? फोन से तो हमारे भाई से मैसेज किया गया था, कॉल नहीं किया था उसने, मैसेज किया। कितना रंगदारी मांगी जा रही थी? 7 लाख। पुलिस आए, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस सर जी अभी छानबीन में लगी हुई सर जी। बच्चे क्या नाम है, क्या उम्र? अभिषेक यादव। क्या उम्र थी बच्चे? 7 साल। कहाँ के रहने वाले आप? खानजहापुर। नहीं, वर्तमान में यहाँ प्रेजेंट टाइम में जो है गौशाला के बगल है, जो है सामने बैंकर्स कॉलोनी के बगल गौशाला। पुलिस से क्या मांग करते हैं आपको, क्या चाहते हैं? सर जी हम लोग ही जो है हमारा बच्चा सुरक्षित मिल जाए बस। रहे क्या बोल रहे हैं आप? क्या नाम? राम भुवन यादव। क्या लगते हैं बच्चे का? बड़े पिता। थाना सागन अंतर्गत अपहरण की घटना घटित हुई है सर, क्या है सर पूरा मामला? दिनांक 2/1/2021 को शाम लगभग 5 बजे श्री दीपचंद द्वारा थाना शाहगंज पर एक लिखित तहरीर दी गई कि उनका सुपुत्र अभिषेक जो रोज सुबह 10 बजे कोचिंग पढ़ने जाता था, आज सुबह जब अपने घर से कोचिंग पढ़ने गया तो 12 बजे करीब वह घर वापस आ जाता है, लेकिन आज वह 2 बजे तक घर नहीं आया। उसके घर वालों को पहले लगा कि शायद कोचिंग में किसी टेस्ट के चलते उनका बेटा देरी हो गई है। जब 2 बजे तक घर नहीं आया तो उन्होंने कोचिंग में जाकर के बेटे के बारे में पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि उनका बेटा आज कोचिंग गया ही नहीं है। लगभग 3 बजे करीब उनके मोबाइल पर एक नंबर से SMS आया कि उनके बेटे का अपहरण कर लिया गया और उसमें उससे फिरौती मांगी गई। इसकी जानकारी होते ही अपने रिश्तेदारों से बात करके वह तुरंत थाने पर आए। आने पे आते ही मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत इसमें 6 टीमों का गठन किया गया। जिस नंबर से उनको SMS आया था उस नंबर के उपभोक्ता तक पहुंचा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि आज दोपहर में लगभग 12 से 12:30 बजे के करीब 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों के द्वारा उससे फोन करने के बहाने उसका फोन मांगा गया और फिर उसका फोन छीन करके वह लोग फरार हो गए। इसी क्रम में आगे पूछताछ करते हुए वादी के घर से 100 मीटर दूर किराए के मकान पर रहने वाले 2 लोगों से पुलिस द्वारा पूछताछ की गई, जिनका नाम शिवम कुमार श्रीवास्तव एवं आकाश कुमार है। यह दोनों ITI में पढ़ते हैं। शिवम कुमार श्रीवास्तव का वादी के घर पे आना जाना था और वादी के पुत्र उसको अच्छे से जानता था क्योंकि वादी का पुत्र पहले उसी से कोचिंग पढ़ता था और बाद में उसने उसको छोड़कर के कहीं और अपनी कोचिंग पढ़नी शुरू करी। पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि सुबह 10 बजे जब अभिषेक कोचिंग पढ़ने के लिए घर से निकला था तो इस शिवम के द्वारा बच्चे को कहीं घुमाने ले जाने के बहाने अपनी बाइक पर बिठाया और ये दोनों अपनी ITI जमुनिया के करीब एक पानी की टंकी में बच्चे को ले आए। वहां जब बच्चे द्वारा शोर मचाया गया तो इन्होंने मफलर से बच्चे का गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी। जब तक जानकारी बच्चे के माता पिता तक या जब तक जानकारी पुलिस तक पहुंची बहुत दुखद है कि बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद यह दोनों मोबाइल छीनने के लिए गए। इसके बाद इन्होंने एक व्यक्ति का मोबाइल छीना और उसको बेच करके एक नया मोबाइल खरीदा जिससे इसके पिताजी को SMS किया। पुलिस को बहुत दुख है कि पुलिस दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चुकी है लेकिन इनके द्वारा जब तक सूचना बच्चे के घर वालों को या पुलिस को पहुंचती तब तक बच्चे की इनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। मृत शरीर को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ थाना सरपता और थाना शाहगंज पे मुकदमा पंजीकृत है जिसमें थाना शाहगंज पे 5/2021 फिरौती हेतु अपहरण मुकदमा पंजीकृत है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें गंभीर कार्रवाई की जा रही है और मामले को मॉनिटरिंग सेल के द्वारा मॉनिटर करते हुए इसमें जल्द से जल्द इनको सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है, आगे की डिटेल से आपको अवगत करवाया जाएगा। बता दें कि जिला जौनपुर के शाहगंज तहसील के पैथोलॉजी संचालक 7 वर्षीय बालक जो प्रतिदिन की भांति शनिवार को सुबह करीब 10 बजे ट्यूटर के घर ट्यूशन पढ़ने जाने के लिए निकला और रास्ते में मासूम का पूर्व का गुरु बीच रास्ते से ही अपने गाड़ी पर बैठा लिया और बालक अभिषेक बैठ गया क्योंकि अपहरणकर्ता पूर्व का गुरु था जो ITI का छात्र भी है।
अपहरणकर्ता घटनास्थल से भागकर 13 किलोमीटर दूर जमुना के पानी के टंकी पर छात्र को ले गए, लेकिन मासूम जब शोर शराबा करने लगा तो दोनों बदमाशों ने मफलर से गला घोटकर मासूम अभिषेक की निर्मम हत्या कर दी। उसके बाद अपहरणकर्ताओं ने एक युवक की मोबाइल छीनकर 7 लाख की फिरौती परिजनों से मांगी, फिर मोबाइल बेचकर नई मोबाइल ने आरोपियों ने खरीदा। जब तक पुलिस के हाथ इनके गिरेबान तक पहुंचते, तब तक बदमाश मासूम की अभिषेक की निर्मम हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। इनके खिलाफ शाहगंज कोतवाली अपहरण व फिरौती का मुकदमा दर्ज है और गंभीर कार्रवाई पुलिस द्वारा किया जा रहा है। मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने दुई आरोपी शिवम कुमार श्रीवास्तव आकार को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके ऊपर सरपतहा शाहगंज से मुकदमा दर्ज कराया गया है। पूरे देश में कोरोना काल में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। अभिभावक घर या बगल बच्चों को महंगे ट्यूशन लगा देते हैं, जिससे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकें। जब कोचिंग टीचर ही अपने छात्रों का निर्मम हत्या करे तो किसके ऊपर भरोसा किया जाए। उस पर क्या नाम सीढ़ी के थ्रू ऊपर ले जाने के लिए मामला ले गए, पता चला इसके बाद दिक्कत हुई कि मामला लड़का चिल्लाने लगा, उछलने कूदने लगा, दिए सब संभाल नहीं पाए। इसके वजह से बच्चे को मुंह पे मुफरा लग गया, जिसकी वजह से उसको आने से कोई फिरौती की रकम मांगी। फिरौती की रकम हमको उस दौरान तो नहीं मामला, बाद में फिर दूसरे नंबर से मुझे कॉल बैक आया। उस समय लगभग 3:07 हो रहे थे। उस दौरान मुझे मैसेज आया कि आप अगर आपका बच्चा किडनैप हो गया, अगर आप अपना बच्चा सही सलामत पाना चाहते हैं तो आप इस पते पर नहीं, मतलब इस पते पे नहीं, आप क्या ना 7 लाख रुपए का इंतज़ाम करिए। और नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है मामला, वो पहले 1-2 दिन वैसे घर टाइम पास के लिए गया था, मामला थोड़ा सा करीबी थे मामला, इसलिए मिलना जुलना थोड़ा रहता था, पास में रहते थे, बट ऐसा कुछ नहीं, बहुत ना के बराबर था, कभी कभार था मामला, बहुत ना के बराबर था। सर ये चीज़ें करने को अब से क्या, ग्राम पोस्ट खानजापुर जिला आजमगढ़ में 7 साल से इस समस्त यही काम में है, बैंकर्स कॉलोनी गौशाला के पास फैजाबाद। ये खास रिपोर्ट थी शाहगंज जौनपुर से शिव कुमार प्रजापति की। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।